ओके गाइस, एक बार फिर से आज हमारे साथ है सुजुकी वी स्ट्रॉम SX250। इसका वॉक अराउंड तो हमने ऑलरेडी आपको दिखाई दिया था, बट अब बात है इसको राइड करने की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्रंट में इसका LED सेटअप मिल रहा है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, और हमने जो आपको इसका वॉक अराउंड दिखाया था वो दिखाया था इसके येलो कलर के साथ। अभी हमारे पास जो इसका कलर ऑप्शन है वो है ऑरेंज कलर, और ये एक ब्लैक कलर के ऑप्शन के साथ भी आती है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई दिया है पहले वाली वीडियो में। अभी हम इसे राइड करते हैं और आपको बताते हैं कि सुजुकी जिक्सर 250 के कंपैरिजन में इंजन में कोई चेंजेस है भी या फिर नहीं, क्योंकि ये एक एडवेंचर टूरर सेगमेंट की बाइक है तो हम डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे हम थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग ही कर पाए। और परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी इस इंजन की काफी अच्छी हमेशा से ही रही है, जिक्सर 250 में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। Alright guys, finally we are riding V-Strom SX. And यहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने कभी भी जिक्सर 250 को राइड किया होगा तो आपको 1% भी डिफरेंस फील नहीं होगा दोनों ही बाइक्स में, एक्सेप्ट द राइडिंग पोजीशन। मतलब कि अगर हम इसे एक कंफर्टेबल जिक्सर कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका जो इंजन है वो जिक्सर के इंजन की तरह ही ट्यून किया गया है। मतलब कि जब आप इसे हाई स्पीड में राइड करेंगे तो आपको इंजन को रेव करने में काफी ज्यादा मजा आएगा, एंड इसका इंजन जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ फील होता है इवन एट हाई स्पीड। एंड अच्छी बात यह है कि आपको बार बार गियर्स को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी गियर्स पे हो इट कीप्स पुलिंग एंड पुलिंग एंड पुलिंग। However, जब आप 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से एक्सीड करेंगे इसे तो इंजन आपको थोड़ा सा वोकल फील होगा, और हो सकता है तब आपको इसकी नॉइज थोड़ी सी इरिटेटिंग भी लगे। बाकी अगर कंफर्ट की बात करें तो एक वर्ड मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कंफर्ट के लेके, एंड वो वर्ड है अमेजिंग, क्योंकि सीट जो है वो काफी ज्यादा स्पेशियस है, हैंडल बार और फुट पैक्स की प्लेसमेंट भी कुछ इस तरह से की गई है जिसकी वजह से लॉन्ग ट्रिप्स के बाद भी आपको फैटिक फील नहीं होगा। राइड क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, नॉट बेस्ट इन द सेगमेंट, क्योंकि स्लो स्पीड में जब आप इसे बम्पी रोड्स के ऊपर से राइड करेंगे तो आपको स्टिफ सस्पेंशन की वजह से बम्प फील होंगे, बट जैसे जैसे आप इसे हाई स्पीड में लेके जाएंगे तो उन्हें स्टिफ सस्पेंशन की वजह से बाइक जो होगी वो आपकी काफी ज्यादा स्टेबल रहेगी। सो यस, ओकेजनली आप इसे ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, बट इसे जो मेन मजा है राइड करने का वो है हाईवे पे लॉन्ग जर्नीज के टाइम। इसकी सीटिंग हाइट है और जो कंफर्ट है वो डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप एक इस प्राइस ब्रैकेट में एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको ओवरऑल कंफर्ट अच्छा मिले और राइडिंग के हिसाब से आप उसे लॉन्ग राइड पे लेके जा सके, तो डेफिनेटली ये बाइक भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। ओके, तो गाइस मैंने राइड कर लिया अब इसे राइडर सीट पे बैठ के, अब मौका है इसे पिलियन सीट पे बैठ के एक्सपीरियंस करने का। तो अब राइडर हमारे फ्रेंड राइड करेंगे इसे और मैं बैठूंगा पिलियन वाली सीट पे। अगर मैं गाइस सीटिंग कंफर्ट की बात करूं तो यहाँ पे पिलियन के लिए भी काफी अच्छा सीटिंग कंफर्ट दिया गया है जैसे कि राइडर के लिए दिया था। इसके अलावा गाइस अगर मैं सीटिंग हाइट की बात करूं तो राइडर की जो सीट है वो 835 mm का यहाँ पे आपको सीटिंग मिलती है, बट पिलियन की सीट ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी राइडर के कंपेरिजन में। तो जब पिलियन यहाँ पे बैठता है तो उसे ऐसा फील होता है कि वो एक बड़े सेगमेंट की बाइक में बैठा हुआ है। ओके गाइस, ये था सुजुकी वी स्ट्रॉम SX250 का एक डिटेल में रिव्यू। वॉक अराउंड भी हमने ऑलरेडी इसका पोस्ट कर दिया अपने चैनल पे, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब आप हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये बाइक कैसे लगी और क्या आप इस बाइक को कंसीडर करेंगे या फिर नहीं। बाकी अगर आपको कैसी वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलरली ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहते हैं।